ग्राम पंचायत सचिव द्वारा हितग्राहियों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें उनके खाते से रकम निकालकर पासबुक भी अपने पास रख ली गई। ये पूरा मामला धरमजयगढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत जबगा के ग्राम बलपीड़ा का है। सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति बिरोहर समाज समुदाय के लोगों को पीएम जनमन आवास योजना के तहत घर निर्माण की मंजूरी दी थी, जिसका ठेका पंचायत सचिव संजय खलखो को दिया गया है। यहां लाभार्थियों ने बताया कि जनवरी 2024 में उनके बैंक खाते में पहली किश्त आई। सचिव ने खाते से पैसे निकालकर निर्माण कार्य शुरू भी किया। इसी विश्वास के साथ लाभार्थियों ने दूसरी किस्त भी निकालकर सचिव को दे दी। उन्होंने आगे कहा कि दूसरी किस्त के बाद सचिव ने उनके अपने पासबुक भी अपने पास रख लिए और तब से उन्होंने ना तो कोई काम कराया और ना ही उनकी सुध ली। आपको बता दें, बलपेड़ा गांव में कुल 6 परिवार बिरहोर समुदाय के हैं, जिन्हें पीएम जनमन आवास मिलना तय हुआ। इसमें ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा 3 हितग्राहियों के आवास का कार्य प्रगति पर है, जबकि सचिव द्वारा आवास निर्माण कार्य रुका हुआ है। घर के कब होते घर के घर का दस चुनी फिर में ठोने गिरा आ जाता है। पहला किस्त में 40,000 निकालते हैं सचुला दे हो। अच्छा, और दूसरा किस्त में 60,000 रुपए दे हो जी। मतलब मैं बना के दहा कैसे? हाँ, और आज हल तो गिट्टी होने लाना था, बालू भी नहीं लाना था, सिर में घूमने गिरा देता है। अच्छा, हाँ, और घर घूम तो नहीं बना देता है, कहाँ लीजिए, कहाँ जाबो सोते। पहला किस्त में 40,000 निकालते हैं सचुला घर के, इंदिरा आवास के, हाँ आवास के, और दूसरा किस्ती में 60,000 निकाल दे। तो पहला सूरज के एकदम कन्हिया घर वाला उठाई से हाला छोड़ दे, वो पैसा ला खाई की का कर तला हमला ठागी सोई, और साचू आओ घर तैयार नहीं करवा आता है। वही तो ठीका ले है कि हमन बिरहोर मान तो हमार घर दूरा किसे है ते नहीं देखत दो है सरकार घलक कि हमन बस आ जाही दंदो, हमन कहाँ सुते जाबो। इधर घर तो पानी आते था, वो दे स्कूल कर पार्सी में चल दे था, अते हमार लेकर छोड़ा मला कहाँ रोज दिन होला, और मला आने आने घर में और गांव में हमार सुता वो।